हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सी मैजिक किचन ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आज आप सभी को मैं दिखा रही हूँ कि हमारे यहाँ बरहिया कब होता है और कैसे होता है। जब न्यू बेबी आता है हमारे घर में तो 11 दिन पे या 13 दिन पर ये बरहिया होता है, और वो मैं आप सभी को दिखा रही हूँ कैसे होता है। इसका अभी बनेगा हमारा इस सब्जी सब बन के रेडी हो गया, देख सकते हैं आप लोग। अरे यार, तो खोल के दिखाओ ना, पहले ये पकौड़े दिखाओ। ये है मन्ना, कर लेंगे। तो अभी खाना बहुत सारा बन रहा है, 12 किस्म का खाना बन रहा है, और आप लोग गेस कीजिए कि क्या है आज, क्यों 12 किस्म का खाना बन रहा है, 12 आइटम। कितना टेस्टी सब्जी है, मुंह में पानी आ गया देख के। ये हमारे इसके अंदर दाल चावल है और दाल बन चुका है, देखिए मुंह में पानी आ गया देख के। कड़ी भरी कितने साग है हमारा, साग है और ये दाल है, और ये अभी आटा है, ये आटा सनाएगा। अभी रोटी बनाना बाकी है, पूरी बनेगा। तो सारे खाना बनने के बाद फिर मैं आप सभी को दिखाऊंगी अच्छे से, क्योंकि पूरा रेसिपी नहीं बना रही, नहीं दिखा रही हूँ आप सभी को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम है। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। मंदिर में ये मेरे कान्हा जी हैं, देखिए ये शंकर भगवान, ये सारे मेरे भगवान हैं। अपने बाबू गुल्लू मुल्लू को दिखाने चलती हूँ। देखिए बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश आ रहा है अभी तेज से, बारिश आ रहा है देखिए, और बारिश में पकौड़ी इतने अच्छे से समा सब आइटम्स खाना होना, खाने में बहुत मजा ही कुछ और है। चलिए, और ये वीडियो बना रही है हमारी देवरान की बेटी है, जो बड़ी वाली है मेरे बच्चे, और ये मेरी छोटी देवरान है, इनका ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन से ये बेबी हुआ। तो फ्रेंड्स, बहुत थोड़ा सा ही वीडियो मुझे मिला था जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ आज, और जितना खाना बना है सब में से थोड़ा थोड़ा करके सारा कुछ एक बार में दिलाएगा। सबसे पहले ये गोद में बाबू को बैठ कर खाएंगे, और उसके बाद बाकी सभी लोग खाएंगे भगवान जी को चढ़ाने के बाद। तो ये देखिए हमारी बेटी दिखा रही है कि ये छोटा बाबू का ये फर्स्ट दिन है, जो जब ये हॉस्पिटल से आया हुआ था, और फर्स्ट इसका स्नान है। तो आप सभी को कैसा लगा फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी इसी बाबू का जो है बरहिया है आज। तो हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, आप सभी के यहाँ कैसे होता है आप लोग ज़रूर बताइए।